प्यारे बच्चों गुड इवनिंग। राइवल इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों आज हम लोग मेंटल एबिलिटी के कोडिंग डिकोडिंग के कुछ क्वेश्चन हल करते हैं। जैसे कि हमने आपको ABCD के नंबर और अपोजिट नंबर वगैरह याद करवाए थे, आशा है आपने रिवाइज करके याद कर लिया होगा। आइए आगे के कुछ सवाल हल करते हैं। जैसे अगला सवाल है, पहला सवाल है बच्चों, कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है ना बच्चों, कहते हैं TO2 की कोडिंग जो है 20-15 है। तो बड़ा आसान सवाल है, आपको इजोटी का रूल याद है, EJOTY, बाई ओर से पांचवा नंबर, दसवां नंबर, पंद्रवा नंबर, बीसवां और पच्चीसवां नंबर। बच्चों तो देखिए टी जो है आपको दिख रहा है, टी 20 होता है, क्या होता है, और ओ 15 होता है। तो ऐसा लग रहा है कि यार टी का नंबर 20 और ओ का 15 लिख दिया। तो इसी तरह एम का क्या होता है, मैंने याद किया था मेरा 13, और वाई का क्या होता है बच्चों, इजोटी का आखिरी अक्षर। इसी तरह ऐसा लग रहा है यार टी ओ का कोड 35 दे दिया गया है। तो ऐसा लग रहा है कि 20 और 15 को जोड़कर रख दिया गया है, तो हम भी 13 और 25 को जोड़कर रख देंगे, तो ये हो जाएगा 38। क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इनका जो जोड़ है 35 के अंकों को, इकाई दहाई को जोड़कर उनका मूलांक निकाल दिया गया है या उनका योग कर दिया गया है, तो आप 38 के अंकों का जोड़ कर देंगे तो 3×8 क्या हो जाएगा बच्चों, 11 आ जाएगा। तो प्रैक्टिस के लिए ऐसे आसान सवाल थे कुछ। अगला करते हैं बच्चों, देखिए बच्चों अगला सवाल है, कहते हैं मद्रास की कोडिंग 56 है। तो ऐसा लग रहा है कॉमन सेंस की हो सकता है कि इसके नंबरों का योग कर दिया गया हो। तो आइए देखते हैं, जैसे M का नंबर 13 है, A1D4, R18, A1S19 होता है। तो देखेंगे 3, 1, 4, 4, 8, 8, 16, 16, 1, 17, 17 और 9 कितना होता है 26, हासिल 2, 2, 1, 3, 3, 3, 1, 4, 4, 4, 1, 5। तो हाँ जोड़ ही रखा है, क्या रखा है, तो कैलकटा का क्या होगा बच्चों, C का 3, A का 1, L का 12, C का 3, U का 21, अगेन T20, T20 और A का 1। तो देखते हैं भाई 3, 1, 12, 3, 30, 20 और 20 जोड़ के देखिए बच्चों, 3, 1, 4, 4, 2, 6, 6, 3, 9, 9, 1, 10, 10, 10, 10, 10, 10 और 11, हासिल का 1। तो 1 और 1, 2, 2, 2, 4, 4, 2, 6, 6 और 2, 8, बच्चों केवल जोड़ रखा है। इसी तरह दिल्ली की बात करें बच्चों, तो अगला सवाल है, तो D का नंबर ही 4 होता है, E का 5, L का 12, H का 8, I का 9। तो ऐसा लग रहा है नंबर ही रखे, देखो 4, 5, 12, 8, 9। तो हम अजमेर के भी नंबर रख देंगे, A का 1, J का 10, M का 13, E का 5 और R का नंबर क्या 18 रख देंगे। लखनऊ का नंबर देखिए L का 12 बच्चों, U का 21 होता है, C का 3 होता है, K का 11, N का 14, O का 15 और W का क्या होता है बेटा 23 होता है। तो ऐसा लग रहा है मेरे को कि जिससे 12 है तो 12 का इकाई दही जोड़कर 3 लिख दिया गया, 21 का भी 2, 1, 3 लिख दिया गया, 3 का 3 लिख दिया गया, 11 का 1, 1, 2 लिख दिया गया, 14 का 1, 4, 5 लिख दिया गया, 15 का 1, 5, 6 और 23 का 2, 3, 5। तो यही काम गोरखपुर में कर देंगे बच्चों। जी का क्या होता है 7, O का 15, R का 18, A का 1, K 11, H 8, P प्रियंका चोपड़ा 16 साल की, U 21, UI 21, Rival 18। तो बच्चों क्या होगा, 7 का 7 हो जाएगा, 15 का 1 और 5, 6 हो जाएगा, 18 का 1, 8, 9, 1 का 1, 11 का 1, 2, 8 का 8, 1, 6, 7, 2, 1, 3 और 1, 8, 9। तो ये गोरखपुर की कोडिंग आ जाएगी। अब देखिए J का नंबर देखते हैं, J इजोटी का J 10 होता है, O 15 होता है, H 8 होता है और N का क्या होता है 14 होता है, इसका 20 आ गया है। तो जोड़ तो ज्यादा होगा, 10, 15, 25 होता है, तो हो सकता है यहाँ पे इकाई दहाई का जोड़ जैसे 1, 0, 1, 1, 5, 6, 8 का 8, 1, 4, 5, तो हो सकता है 1, 6, 7, 8, 15, 5, 20। तो ऐसा लग रहा है कि पहले इन अंकों का मूलांक निकाल दिया गया, इकाई दहाई का जोड़, और इस जोड़ को जोड़ दिया गया, हो सकता है मैं राइट हूँ। तो R का नंबर क्या होता है 18, A का 1, M का 13, A का 1। तो देखिए आप पाएंगे इनको कि 18 का जोड़ 1, 8 का 9, 1 का 1, 1, 3 का 4, 1 का 1 और इन सभी को जोड़ेंगे तो 9, 1, 10, 4, 14 और 1, इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए बच्चों 15 क्या हो जाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि सारे सवाल आसान थे, फिर भी एक बार इनका आंसर चेक कर लेते हैं बच्चों। इसका आंसर कोई बात नहीं, 15 ही होगा बच्चों। हाँ
बच्चों इसी तरह अगला सवाल है, दो तीन सवाल है, इन्हें भी हल कर लेते हैं फटाफट। कार का 20, 3, 5 दिया है, तो देखो सी का नंबर होता है 3, ए का 1 और आर का होता है 18। ऐसा लग रहा है मुझे कि यार ये 20 दिया है तो हो सकता है 18 में क्या किया वो 2 जोड़ दिया गया हो, फिर 3 है तो हो सकता है 1 में क्या 2 जोड़ दिया गया हो, फिर 5 है तो हो सकता है 3 में 2 जोड़ दिया गया हो। तो कहने का मतलब ये ऐसा लग रहा है मेरे को कि आर का कोडिंग आखिरी अक्षर का कोडिंग पहले स्थान पर है। तो इसी तरह एम का नंबर 13, मेरा 13, ई 5, एस सुष्मिता सेन 19 की थी, हमें 2 ऐड करना है तो आखिरी वाले अक्षर में 19 धन 2 21, 5 और 2 7 और 13 और 2 क्या हो जाना चाहिए जो 15 हो जाना चाहिए, तो ये इसका कोडिंग। अब रीजन का 5 है तो 5 तो बड़ा छोटा है तो जोड़ लोड़ तो होगा नहीं, तो हो सकता है यहाँ 1 2 3 4 5 6 अक्षर है तो 6 होना चाहिए लेकिन 5 है। इधर देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 अक्षर है तो 8 का 7 है, तो ऐसा तो नहीं कि यहाँ 6 अक्षर है तो 6 का 5 लिख दिया और यहाँ पे 8 अक्षर है तो 8 का 7 लिख दिया। अब अगर सही है हम लोग तो यहाँ पे 4 और 4 8 2 10 अक्षर है, कितने हो सकता है 10 से 1 कम क्या लिख दिया गया हो 9 लिख दिया गया हो, हमारा गेस सही है। तो इसी तरह राम का कोडिंग यहाँ 35 है तो राम का 35 कैसे आ सकता है, तो देखिए राइवल आर का नंबर जो है राइवल 18 होता है बच्चों, A1 होता है, M13 होता है, तो 35 कैसे आ सकता है, हो सकता है जोड़ दिया गया 8 1 9 3 11 और 1 1 2 1 3 33 हो रहा है, इनका जोड़ तो क्या हो रहा है 33 हो रहा है। खैर आगे चेक करते हैं, मोहन का 56 है तो M13 O15 H8 A1 N14 तो जोड़ेंगे 3 5 8 8 16 16 1 17 17 और 4 21 हासिल 2 2 1 3 3 1 4 1 4 1 5 51 हो रहा है। तो भाई तो पास में जैसे 33 का 35 लिखा है और 51 का 56 लिखा है तो 3 कैसे ऐड हुआ, तो हो सकता है कि यहाँ पे 1 2 3 अक्षर हैं तो हो सकता है कि 33 में 3 ऐड कर दिया गया हो और यहाँ पे 1 2 3 4 5 अक्षर है तो हो सकता है 51 में 5 ऐड कर दिया गया हो। अपन देख लेते हैं ऑप्शन के आधार पर, फिर चेक कर लेंगे आंसर सही कि नहीं। तो आर राइवल 18 A1 M13 E5 S19 H8 जोड़ करेंगे तो 8 1 9 9 3 12 12 5 17 17 और 9 26 26 8 34 34 की 4 हासिल 3 3 1 4 4 1 5 5 1 6 64 है और यहाँ पे 3 और 3 6 अक्षर है, हो सकता है इसका आंसर क्या हो 70 हो। अगर आप समय 70 है तो हमारी बात एकदम क्या है राइट है, क्या है तो है 70 बच्चों। तो देखिए बच्चों कई बार सवालों में बेवकूफ बनाए जाते हैं कि यहाँ पे कुछ सवाल ऐसे पूछ लिए जाते हैं प्रोसेस की कोडिंग क्या है, बट प्रोसेस जो है देखो पी आर फिर ओ और फिर सी फिर ई एस इसी से ही बना हुआ है। तो यहाँ पे जैसे आप सोच रहे होंगे पी का 16 6 1 7 है, फिर यू का 21 2 1 से 2 आ गया, फिर आर का 18 1 आ ही नहीं सकता, तो यहाँ पर्टिकुलर फिक्स नंबर का फिक्स अक्षर का फिक्स नंबर मान लिया जाता है और वो नकल करके लिखना रहता है। तो कई बार ये सवाल काफी पजल करता है, हम यहाँ रूल ढूंढते रहते हैं लेकिन रूल होता ही नहीं, तो जाहिर सी बात है आग होगी तभी धुआं होगा, तो कई बार सवाल इन्हीं अक्षरों से बना होता है और ये सवाल अक्सर पूछा जाता है। तो आप थोड़ा सा ये भी अलर्ट रहें कि हम रूल ढूंढ रहे हैं, रूल नहीं मिल रहा तो हो सकता है रूल हो ही नहीं, अक्षरों को केवल नकल करके लिख रहा हूँ। जैसे पी का नंबर क्या है, इधर से देखेंगे पी का नंबर क्या है 7, तो 7 लिख देंगे, क्या लिख देंगे। इसी तरह आर का नंबर क्या है, देखो इधर से देखेंगे आर आर दो बार है, 1 1 है, आर का नंबर क्या हुआ 1। ओ का नंबर देखेंगे तो ओ का नंबर क्या है 9, क्या है। और फिर सी का नंबर देखेंगे तो सी का इधर से चौथा जो है 3 नंबर है, क्या है। और एस ई का देख लेंगे तो ई इधर से ई है, इधर से लास्ट है तो ये 8 और इधर भी 8 है तो ई का 8 है। फिर एस का देख लेंगे, एस जो है इधर से सेकेंड लास्ट है तो 6 नंबर है, क्या है, तो दो बार ऐसे तो 7 1 9 3 8 6 ये नंबर हो जाएगा, कोई बड़ा इशू नहीं। कमल विजय और विमल, विमल भी ऐसे दिख रहे हैं मेरे को वी आई एम ए एल, तो यही लिख देना है आपको 8 6 1 9 0 तो ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह टी ओ का 88 है, एम आई का 121 है, तो ऐसा लग रहा है टी का नंबर 20 है चूंकि ये सारे 11 से कट रहे हैं तो 20 15 का योग देखो 35 हो रहा है, क्योंकि सीधी संख्या उल्टी संख्या को सदैव 11 से कटता है तो 35 उल्टा 53 हो रहा है, तो इनका जोड़ कितना हो रहा है 88। इसी तरह एम 13 वही 25 है, 25 28 38 और इसका योग क्या हो रहा है बच्चों 83, तो जोड़ देंगे तो 121 हो रहा है। डब्ल्यू 23 ई 5 23 5 का योग 28 उल्टा क्या हो गया 82 जोड़ देंगे बच्चों कितना आ जाएगा 110। तो मुझे लगता है ये सवाल भी बहुत आसान थे, आगे होंगे समझ में आपको। तो आगे देखते हैं बच्चों ओ एन, ये 63 36 है तो ये 9 से कट रहे हैं, तो सीधी और उल्टी संख्या को अंकों का अंतर सदैव 9 से कटता है, तो एक बार ये भी देख लेते हैं
वो 15 एंड 14 है, तो 15 और 14 का जोड़ क्या हुआ 29, क्या हुआ? तो 29 का उल्टा जो होता है बच्चों वो होता है 92, क्या होता है? तो एक बार उल्टा घटा के देखेंगे तो 12 मिन हो गया, 3 8 मिन हो गया, 6, तो ऐसा लग रहा है 63 आ रहा है, हो सकता है चल जाए काम। इसी तरह यू का 21 और पी का 16 होता है, 16 1 17 10 27 37, तो 37 का उल्टा क्या होता है 73, एक बार घटा के देखेंगे 13 में 7 गया, 6 6 में 3 गया, तो चल रहा है बच्चों। एस 19 है ओ 15 है, तो 19 15 का योग 5 2 14 1 1 34, 34 का उल्टा बेटा 43 होता है, और दोनों का अंतर क्या और 9 हो रहा है, तो ये छोटा सा लॉजिक हमने ढूंढ लिया कि दोनों संख्याएं 9 से कट रही थी, तो ऐसा हो सकता है। इसी तरह देखो ओ का 15, ए का 1, 15 और 1 कितना हो रहा है बेटा 16, ये 24 है, हालांकि 16 24 इक्वल आधा आधा 8 जाता है, लेकिन हो सकता है ये लॉजिक चले ना चले, आगे चेक करते हैं। एच 8 L 12 12 8 20 हो रहा है बच्चों, अब ये 30 रखा है, तो देखो ये 20 जो है आधा ज्यादा है, कितना ज्यादा है जो 20 है 20 में आधा जोड़ दो तो 30 आ जा रहा है, मतलब चीजें ऐसा लग रहा है योग से 1.5 गुना हो रही, कितने गुना हो रही, हो सकता है सही हो लॉजिक, तो ऑप्शन मिल जाएगा आंसर मिल जाएगा। R 18 आ रहा है 20 है, 18 20 क्या हुआ 38, तो 38 का आधा क्या होता है 19, 38 19 क्या होता है 19 57 होता है, तो जोड़ हो गया 57, कोई बात नहीं हल हो गया। इसी तरह R 18 A 1 M 13 A 1, 117 तो बहुत ज्यादा है, गुणा से ही होगा, लेकिन अब गुणा हो सकता है 18 91 18 18 गुणे 13 18 54 असिल 5 18 91 18 18 और 5 23, गुणा तो 234 आ रहा है लेकिन ये 117 है, ऐसा तो नहीं आधा हो रहा है, तो यानी पहले दिन सभी का क्या हो गया गुणा हो गया, और फिर इसमें गुणा में 2 का क्या हो गया भाग हो गया, तो देख लेते हैं अगर हो सकता है 2 1 2 2 1 2 2 2 7, तो आगे भी ये रूल अप्लाई होगा क्योंकि दो उदाहरण है, जहां दो उदाहरण होते हैं तो ऐसे कुछ नियम होता है J 10 A 1 C 3 K 11, अब गुणा करके देखेंगे तो 10 1 9 10 3 30, 30 गुणे 11 330 आ गया, तो 330 का आधा हाँ होता है 2 1 9 2 2 6 12 2 5 6 10। इसी तरह रीड है बच्चों R 18 E 5 A 1 D 4, एक बार गुणा करके देखते हैं 18 5 90 1 9 90, 360 आया, लेकिन फिर उसमें हमें आधा करना है, तो 360 का आधा क्या होना चाहिए 180, हो सकता है हमारा लॉजिक सही हो तो आंसर मिल जाए। आगे देखते हैं बच्चों डी 4 है और वो 15 है, तो ऐसा लग रहा है 4 गुणे 15 60 हो गया, टी 20 है वो 15 है, तो 20 गुणे 15 30 हो गया, तो इसी तरह R 18 और T 20 है, तो 18 36 का हो जाएगा बेटा 360, सोनू का 360 है, तो एस 19 ओ 15 एन 14 और यू का क्या बेटा 21, इसका 360 गुणा से ही आएगा, अब गुणा तो 19 गुणे 15 करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो हो सकता है इनका मूलांक निकाल लिया गया हो, जैसे 1 और 9 का जोड़ किया 10, 1 और 5 का जोड़ किया 6, 1 4 का 5 और 2 1 का 3, फिर गुणा कर दिया गया हो, देखते हैं 10 गुणे 6 60, 60 गुणे 5 300, 300 गुणे 3 ये तो 900 आ रहा है, फिर ये भी लॉजिक नहीं बैठा बच्चों, तो अब हो सकता है कि ऐसा हो कि भाई फिर क्या हो सकता है, हुआ तो गुणा है चूंकि आंसर ज्यादा है, तो कई बार ऐसा होता है इनका गुणा कर लिया जाता है, 1 गुणे 9 क्या 9, 1 गुणे 5 क्या 5 और 1 गुणे 4 क्या 4 और 2 गुणे क्या 2, और फिर गुणा कर लें चूंकि गुणा ही करना है, तो 9 अपने 45, 45 गुणे 4 180, 180 गुणे 2 360, कहने का मतलब कुछ ऐसा है बच्चों कि आप इन सभी का इकाई दहाई का भेद ना करें, सभी का गुणा कर लें, जैसे एस 19 ओ 15 एन 14 यू 21 है, तो कई बार जैसे इनका आपस में गुणा कर लें, 1 गुणे 9 9 9 1 9 9 9 5 45, 45 1 9 45, 45 गुणे 4 180, 180 गुणे 2 360, 360 गुणे 300, तो ऐसा हो रहा है, तो R 18 है A 1 है M 13 है, तो गुणा करके देखेंगे यहाँ भी होगा 1 8 8 1 9 8 8 1 9 8 8 3 24, तो 24 का क्या हो जाएगा C 3 H 8 E 5 और T 20, जैसे 20 आ गया 0 आ गया, 3 8 24 24 5 120, 2 9 240, गुणा 0 0 आ जाएगा, तो 0 आ गया तो 0 गुणा 0 ही हो जाएगा, कोई बड़ा इशू नहीं। अब डाग D 4 O 15 G 7, इसका 168 है, वो तो गुणा रहा है लेकिन कैसे हो रहा है गुणा, तो हो सकता है उसी तरह हो 4 1 9 4 5 20, 20 गुणे 7 तो 168 नहीं होता, फिर क्या होता है हो सकता है इनका गुणा हो, 4 का 1 गुणे 5 5 लिख दिया हो 7 लिख दिया हो, तो 4 5 20 और 20 गुणे 7 जो है वो भी 140 होता है, तो फिर क्या हो सकता है, हो सकता है इनका मूलांक निकाल लिया गया हो, जैसे 4 का तो 4 लिख दिया गया हो लेकिन 1 और 5 को जोड़ दिया गया हो 6 और फिर 7 लिख दिया गया, फिर गुणा कर दिया गया, तो करके देखेंगे 4 गुणे 6 24 और बेटा 24 गुणे 7 कितना होता है 7 6 28 और 7 19 14 2 16 168 होता है, तो मिल गया बच्चों। इसी तरह R 18 है A 1 है और T 20 है, 18 का मूलांक क्या होगा 1 8 का 9 1 का 1 2 0 का 2,
अब गुणा करके देखो, 9 एक 9 9 2 18 C3A1T20, तो जोड़ दो 3 का 3 1 का 1 और 2 0 का 2, अब गुणा कर दो 3 एक 9 3 3 2 6, तो उत्तर 6 मिल जाना चाहिए जो कि आ रहा है। देखिए बच्चों M का 13, A का 1, L का 12, A का 1, तो ऐसा लग रहा है मुझे कि इसका गुणा कर दिया गया 1 * 3 3, 1 * 2 2 और 1, और फिर इन सभी को जोड़ दिया गया 3 1 4 4 2 6 6 और 1 7। कालों को देखेंगे कि 11 A1 L 12 U का 21, तो ऐसा लगता है पहले इनमें गुणा कर लिया गया 1 1 का 1 1 * 2 2 2 * 1 2 और फिर इन्हें जोड़ दिया गया 2 2 4 4 1 5 5 और 1 6। रीटु का भी ऐसे हो जाएगा बच्चों, R 18 I 9 T 20 और U का 21, तो गुणा करेंगे 1 * 8 8 1 * 8 और 8 और फिर 9 का 9 बच्चों और 2 * 0 0 2 * 1 2, अब जोड़ देंगे 2 9 11 11 और 8 11 और 8 19, तो अगर बच्चे इसका आंसर 19 राइट है तो हमारा गेम सही और वाकई में इसका आंसर 19 राइट है। तो आज हमने प्रैक्टिस की बच्चों मेंटल एबिलिटी की, कोडिंग डिकोडिंग की, कुछ सवालों की यही क्रम जारी रखेंगे, कल भी ऐसे ही कुछ सवाल करेंगे। तो बच्चों इसी तरह 10-10 क्वेश्चन करते करते 10-15 क्वेश्चन करते करते पूरी मेंटल एबिलिटी समाप्त करेंगे हम लोग। और ध्यान दें ऐसे ही सवाल एग्जाम में आते हैं, तो हर एग्जाम में इनमें से एक सवाल आपको मिलेगा। कल मिलते हैं, हैव अ नाइस डे।